हम चल जाए इस दुनिया से तो सबसे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और पापा भी हमारे ही साथ कुछ दिन के बाद भी चले जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज का ब्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें आप लोगों को मम्मी बता देंगे कि क्या देखने को मिलेगा, पर आप लोगों से सिर्फ मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर बताइए कि कौन सा अच्छा है और कौन सा नहीं। और क्योंकि ये जो है ये जाने वाला है रंजना के लिए है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और कमेंट कीजिएगा कि कैसा है ये पार्ट। और उसके बाद आप लोग खूब सारा कमेंट कीजिएगा, जिसको भी वीडियो अच्छा लगेगा वो रेड हार्ट करके भेज देगा और अपना जगह का नाम ज़रूर लिखेगा, ताकि हम लोग वीडियो में बता सकें कि जो जितना प्यार करेगा उतना ज़्यादा हार्ट भेजेगा। और ये अच्छा है कि नहीं ये किसे देना चाहिए आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो अब बिना देरी किए वीडियो को लेकर चलते हैं आके। आई होप आपको इस वाले वीडियो को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और डिज़ाइन देख के आप लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि मम्मी गई हुई थी मार्केट तो सोची कि आप लोगों को क्या दिखाना है, मतलब कौन सा। और अभी जो है दीदी का मैं टाइम है, अभी पता नहीं चल रहा है कुछ, पर डॉक्टर ने साफ बोल दिया है कि जैसे ही दर्द होगा तो आप लोग बिना देरी किए हॉस्पिटल में आ जाइएगा। पर उससे पहले हम लोगों के पास अभी टाइम है और आज हम लोग रेडी भी हुए हैं कहीं जाने के लिए। वो कहाँ जाना है आप लोगों को मैं बता दूँगा लास्ट में। और चलिए तब तक वीडियो को लेकर चलते हैं आके। पापा जी भी इधर रेडी हो चुके हैं और हम लोग अब निकलते हैं वाले थोड़ी देर में। उससे पहले आप लोग ये वाला पार्ट देख लीजिए कि मेहंदी छल्ला टाइप का है कुछ, तो चलिए दिखाते हैं और अपना खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो गाइस अभी देखिए, अभी हम आ चुके हैं रूम में आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी सही हो चुका है। और वहाँ पर बेड भी है, पापा रेडी हो रहे हैं और यहाँ पर मम्मी बैठी हुई हैं। आज तो सब सफाई किया है रूम को, और उस रूम में उसको पूजा को रखना है, इसलिए हम सोचे हैं कि इस रूम को थोड़ा ठीक ठाक कर दें कि कोई उसके ससुराल से या कहीं से गेस्ट आएंगे लोग तो यहाँ बैठेंगे लोग, बातचीत होगा चाहे जैसा भी हो। अब भगवान देखिए कितना जल्द क्या हो रहा है। तो आज सुबह से क्या क्या बनाई मम्मी? आज सुबह से उठे हैं 5 बजे का हमारा रूटीन है, आधा घंटा टहले हैं लोग और गपशप किए हैं पापा हम, उसके बाद से कसरत किए हैं, तब फिर सब्जी काट कर और अपना बनाए कटहल का सब्जी, आलू बैंगन का सब्जी, हलवा और पूड़ी, फिर से चावल दाल सब बना, खिचड़ी इतना सारा बनाए हैं। उसके बाद आए हैं तो इसमें सब ठीक किए हैं, सबको खाना खिलाए और उसके बाद हम पूजा किए हैं, नहाए हैं, नहा के पूजा किए हैं। लेट से इसलिए नहा रहा है कि किचन में खाना बनाते हैं तो पूरा पानी शरीर से निकलने लगता है और पूरा गर्मी गर्मी हो जाता है, तो बाद में ये महकने लगेगा शरीर नहीं नहाएंगे तो, इसीलिए पहले नहीं नहा रहा है, बाद में नहा रहा है सब काम करने और के ये बाद। ब्लाउज का जो डिजाइन अलग से आया है या? नहीं, इसी में था ये ब्लाउज का डिजाइन। तो ये साड़ी एकदम बिल्कुल प्लेन है, 5-6 साल पुराना साड़ी है, पूजा के शादी के टाइम का है, तो इसका ब्लाउज का ही अच्छा दिया था वर्क, इसलिए ये साड़ी हम लिए थे। सुभाष का ये साड़ी है, बहुत अच्छा लगता है। और आपको तो शादी में बहुत ज़्यादा काम होगा? कर लेंगे, काम से नहीं, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। और जब हमको ये माइंड सेट हो गया है, अपना माइंड हम मेकअप कर लिया है कि हमको अकेले करना है, तो किसी का आस नहीं है हमको कि कोई आके हमारा घर संभालेगा। और पापा इनके हैं, हम हैं, और जहाँ जाना होगा वहाँ प्रिंस लेके जाएंगे आएंगे, लेकिन जब हम लोग दो जन हैं, चूँकि पूजा का भी हम रखेंगे तो उसका भी बेबी होगा छोटा, तो पहले उसको वो अपना देखभाल करेगी, हम लोग का काम में हाथ बटाने का कोई नहीं, अपने बच्चे का ही संभाल ले वही काफ़ी है। और अब जल्दी से आ भी रहा है टाइम, 4-5 महीना और रह गया है, तो हम लोग एक एक करके सब कुछ बुक हो रहा है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, इसी में क्या है कि पूजा का प्रेगनेंसी का समय है, इस समय डिलीवरी का, और मेरे घर शादी भी है मेरे ससुराल में,
इनके बड़े भाई के बेटा का शादी है तो मेरे घर का ही है। मायके में भी शादी है। और मेरे मायके में मेरा दो भाई, हम लोग चार बहन है, तो जिसमें दोनों भाई मेरा इस दुनिया में नहीं है, डेथ कर गए हैं। उनके छोटे वाले भाई का एक बेटी ही है, बेटा वोटा नहीं है, तो उसका भी शादी है। तो उसका शादी है तो उसमें भी हम लोग को जाना है, हमको जाना है, इन लोग को भी जाना है। तो देखते हैं गाइस, अगर सेहत सब सही रहे और तो जाना ही तो सब जगह तो मेकअप करना है, हमको मेंटेन करना है, नहीं जाएंगे मायका ससुराल ये तो जरूरी होता है, या और रिलेटिव के यहाँ शादी पड़ रहा है तो जहाँ इनवाइट आ रहा है, कार्ड आ रहा है और आपको हमको खास करके बुला रहा है लो, तो वहाँ जाना है एक घंटा के लिए। और गाइस मम्मी को सबसे ज्यादा डर ये रखता है कि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर कोई अगर रिलेशन का आएगा तो क्या पता अच्छे से सब देखभाल होगा कि नहीं, तो इसीलिए हमको भी मम्मी बोल रही है कि चलो मेरे साथ सब देख लो ताकि बाद में परेशानी ना हो। हम ये हमेशा समझाते हैं कि तुम पापा का भी साथ कहीं नहीं होता, मैं पापा जा रहे हैं तो तू जाओ देखो, सबसे मिलो, बात करो, ये जाएगा आएगा तभी किसी को पहचानेगा। क्या है कि एक लाठी कोई काम नहीं करता है, अगर चार स्टिक एक साथ हो जाए तो तोड़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे है कि सब लोग को लेके चलना है, ससुराल, मायका, ननद, बेटी, जिसको जिसको सबको लेके चलना है। और इसमें प्रिंस यहाँ पे रह रहा है तो इनको तो एकदम अनिवार्य है सबको जानना कि कौन क्या है, मामा है, फूफा है, फूआ है, क्या है, कौन है, वहाँ जाना आना चाहिए। और गाइज अब आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूँ जिस पे आप लोग सुन के थोड़ा हंस भी देंगे। तो पापा जी और मम्मी का जो शादी का जो है वो कितना साल हो गया लगभग? 32 चल रहा है। 32 साल हो गया और अभी बचा है 18 साल, तब जाके धूमधाम से मनेगा 50 साल। भगवान जाने कि रहेंगे लो कि नहीं रहेंगे लो, क्या होगा क्या नहीं होगा, एक दिन का कोई ठिकाना नहीं है किसी का, इतने बड़े सपने देखने की क्या जरूरत है। हम लोग और ये शादी तो ठीक है हो गया, सबसे पहले पापा से पहले हम चल जाए इस दुनिया से तो सबसे बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। और पापा भी हमारे ही साथ कुछ दिन के बाद भी चले जाए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बहुत कष्ट होगा। कुछ कष्ट नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग हम लोग देख रहे हैं आजकल। नेक्स्ट आप बताइए कि सबसे पहले पापा जी को आप कब देखी थी? पापा जी सबसे पहले आप कब देखे थे मम्मी को? सीधे मंडप में? नहीं, पापा मंडप में भी नहीं देखे थे हमको, इतना घूंघट करके शादी हुआ था। तो सबसे पहले आप कब देखी थी? आप तो देख ली। पापा को हम भी खास करके देखे नहीं थे कभी। क्या हुआ कि हम लोग का शादी हुआ तो एक दिन दो दिन मर्याद रहता था शादी, मैंने बरात तुरंत नहीं आता था ना जी, और ये दो दिन रह गए थे हमारे यहाँ, वहाँ रुक गए थे, विदाई का टाइम नहीं, डेट नहीं था, तो दो दिन ये रुक गए। शुक्र को बरात गया था, सोमवार को मेरा विदाई हुआ। तो उसमें हम जिस रूम में, मेरी मम्मी का रूम था, उस रूम में हम पीला पीला साड़ी उड़ी सब पहने हुए थे, पीला सिंदूर लगा हुआ था शादी करके। और गाँव में क्या होता था कि पहले शादी होता था तो पूरा लड़की लोग आती थी मिलने, सखी सलेहर सब आके मिलती थी, सब बात करती थी, अब शादी हो रहा है, अब चल जाएगी ऐसे करके। तो हम लोग क्या, हम बैठे हुए थे, ये उसमें गए अपने कपड़ा निकालने, इनको ना थोड़ा फ्रेश होना था। तो हमारी भाभी का किलो मजाक में कि दरवाज़ा का डोर बंद कर दिलो, हम थे उसमें, ये गए तो हम डर के मारे जंगला के पास छुप गए। हम सोचे गए कौन आदमी आ गया भाई, हम तो इनको देखे भी नहीं थे ढंग से आना कुछ। तो हम पूरा फिर उधर से आके दरवाजे पर, पापा अपना कपड़ा निकालने लगे, कपड़ा निकाले और ये चल दिए। आप दोनों लोग उसी में था लो? हाँ, ना हम इनको देखे ना ये हमको देखे। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग ना जी, हम लोग निकल आए और अपने जब विदाई हुआ तो ससुराल में आए तो देखे लोग। पहले का भाभी लोग बहुत छेछड़ापन नहीं था पहले, कि पहले लड़का लड़की बात कर लो, देख लो, सुन लो, ये सब जमाना कहाँ था, ये नया फैशन चला है, ये सब नया चला है कि पहले शादी के पहले मिल लो, मिला लो, घूम लो, फिर लो, तब शादी करो। तो ऐसा कुछ हम लोग का पेरेंट्स नहीं कहता था। हाँ, जो हम लोगों को 10 वर्ष के बाद कुछ होता था आपस में, वो उन लोगों को शादी होने के तुरंत बाद हो जाता है। और हम लोग क्या ना कि शादी भी करके जाते थे तो पूरा अच्छे से, इतना पड़ले शर्म से पर्दा रखते थे सिर पे, अपने सास के, ससुर के,
या हस्बैंड के भी यही रिवाज था, शर्म से रहते थे देवर से। ये नहीं कि बराबरी एकदम बैठ जाओ बात करो खूब हंसो मजाक करो, अब खुला खुलेआम हो गया है। और चलिए जैसा समय, तो अब आप लोग को बता देते हैं, काफी बातचीत हो गया और अब आप लोगों को मम्मी कुछ दिखाने जा रही हैं और आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा है। तो चलिए दिखाते हैं वीडियो को आगे लेके। सो गाइस, तो चले गए थे हम अपने घर में, दो जगह शादी है पता ही है आप लोग को, तो सुनार के दुकान पे गए थे कुछ सामान लेने। तो अपने यहाँ भी शादी है तो सोच रहे हैं कि कुछ कुछ शॉपिंग करते रहें आराम आराम से। तो हम एक लिए मेहंदी छाला, देखते हैं रंजना को भेजेंगे। हम लोग सब जेवर जाता है चढ़ाने के लिए, डणकस जाता है, पायल जाता है, हाथ का जाता है, कान का जाता है, हार जाता है, टीका नथिया जाता है, सबके यहाँ भी जाता होगा। तो एक एक करके खरीदना है सब कुछ, तो वही हम जब जाते हैं दुकान पे किसी को गिफ्ट देना है तो लेते हैं, तो साथ में वो भी ले लिए हैं। तो आप लोग को दिखा रहे हैं ये डिज़ाइन कैसा लगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ससुराल में पतो है तो उनको भी कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा, तो देखा जाए। बहुत सारा था इसमें का, लेकिन हमको ये अच्छा लगा, तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और इसका सब ये एडी नग दिया हुआ है, इस पर सब पे नग है, तो ज़्यादा हमेशा तो कोई पहनता नहीं है, लेकिन उस समय आंगन में दिखाने के लिए अच्छा रहता है, या कभी कभी पहनने के लिए चाहिए, कुछ पार्टी फंक्शन हुआ तो पहनेंगे, वो नया नया दुल्हन रहेंगे तो अच्छा लगेगा। ये हम लोग के यहाँ कितना लोग मायके से भी देता है, मिलता है मायके से भी, तो वहाँ से भी लेगा चाहे कहीं से भी, तो मम्मी अपने मन से ली है। हमको शौक है भाई, तो हम शौक से अपना कर रहे हैं, यही है। तो ये है इसका डिजाइन, ऐसे कुछ करते वैसे तो हैं। वो बोल रहा था कि पांच उंगली वाला लेने के लिए, पांच उंगली का दे रहा था, लेकिन हमको अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए ये लिए, ऐसे करके पहन लो। यहाँ पे बड़ा चमक रहा है, एडी नग है इसमें, इसको भूख लग गया है क्या। तो गाइस यहाँ पे सिमी आ गई है, सिमी आ जा, देख रहे हैं लोग कितना एकदम जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है, एकदम बड़ी हो गई है, पेडिग्री खा के बड़ी हुई है, कितनी छोटी थी अब इस तरह एकदम बह गई है। तो गाइस आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अब बताइए मम्मी आपको कैसा लग रहा है ये, देखो देखो कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है। जैसे जैसे दिन जाएगा वैसे वैसे सारा काम होगा। अब हम लोग कहाँ निकलने वाले हैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कहाँ निकलने वाले हैं लोग, मम्मी अनुमान कीजिए, जाएंगे लोग अनुमान कीजिए, अनुमान कीजिए आप लोग गेस कीजिएगा कि हम लोग कहाँ जाएंगे, और वीडियो मिलेगा आप लोग को देखने के लिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। फिर आप लोग बने रहिए वीडियो पर, और वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिए, खूब सब्सक्राइब कीजिए। और चलते चलते हम लोग का इंस्टा आईडी है रंजू 13 और प्रिंस RC2, और हमारा शॉर्ट जो वीडियो है शॉर्ट चैनल है उसका नाम है प्रिंस एंड मॉम की जोड़ी। अब आपको मैं मिलवा देता हूँ सिमी से, सिमी आ, चीमू 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 चीमू, देखिए सिमू का, जो जिसको भी सिमी पसंद है उसको वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। सिमू खाना खाइयो, इधर इधर।